ऑल राइट दोस्तों, आज रियलमी ने लॉन्च कर दिया हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स, और उसमें से एक मेरा पर्सनली फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो है रियलमी वॉच 3 प्रो। वैसे मेरे पास वॉच 3 प्रो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि जो आपको रियलमी वॉच 3 प्रो के अंदर GPS वाला फंक्शन देखने को मिलता है वो इस वॉच के अंदर भी है। ये है रियलमी वॉच 2 प्रो, सेम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है इस वॉच की, बस इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन नहीं है, बाकी एक एक चीज़ इसकी सेम है एज रियलमी वॉच 3 प्रो जो लॉन्च होने वाली है। सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं जल्दी सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और कमेंट जरूर से बताइएगा आपकी फेवरेट स्मार्ट वॉच कौन सी है। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि इसका GPS फंक्शनिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियलमी वॉच 3 में 3 प्रो में भी देखने को मिलेंगी, वो आपको इसके अंदर है और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पहले सबसे पहले रियलमी वॉच 3 प्रो की प्राइसिंग से, दोस्तों मैं शूट होने से पहले वीडियो बना रहा हूँ, मुझे प्राइसिंग का कोई भी आइडिया नहीं है। आई थिंक इसकी प्राइसिंग 5000 के आसपास हो सकती है, 5 to 6000, क्योंकि एज रियलमी ने जो अपने स्पेसिफिकेशंस बताए हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि 5 to 6000 होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने मिलती है 1.81 inches की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि सबसे बड़ी एमोलेड डिस्प्ले है इस प्राइस सेगमेंट में। रियलमी ने लॉन्च से पहले तो नहीं बताया है कि 1.81 inches की होने वाली है, बट क्योंकि इससे बड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये राउंड वॉच नहीं है, ये आपको इसी तरह की स्क्वायरिश शेप में देखने को मिलने वाली है, सर्कुलर में नहीं है। तो अगर हम और कंप्यूटर्स देखें मार्केट में, जैसे फायर बोल्ट है, नॉइज़ है, बोट है, तो इनकी भी अभी इतने बड़े डिस्प्ले साइज़ की एमोलेड में तो नहीं आई है, एटलीस्ट 1.8 है, 1.79 है, तो यहाँ मुझे लगता है 1.81 inches की एक एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने लॉन्च करी थी अपनी रियलमी वॉच 3, उसमें 1.81 inches ही थी, तो बस यहाँ पर IPS की जगह एमोलेड कर देंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ पहले डिज़ाइन लुक्स की, सेम टू सेम ऐसी ही तरह का डिज़ाइन होने वाला है, वेट में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से उसकी थिकनेस कम करी है वॉच की, और स्पीकर और माइक डाला है, तो वेट में तो शायद प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्पीकर और माइक का वेट ऐड हो गया है, बट थिकनेस ज़रूर कम करी है थोड़ी बहुत रियलमी ने, और यही मुझे रियलमी से एक शिकायत भी है कि स्मार्ट वॉचेस की थिकनेस थोड़ी कम होनी चाहिए। मेरे पास फायर बोल्ट वंडर है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, मैं पर्सनली रियलमी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि ये सब स्मार्ट लाइट्स वगैरह जो रियलमी की हैं और स्मार्ट प्लग्स वगैरह, सिर्फ इसी वॉच तक कंट्रोल हो जाते हैं, रियलमी लिंक ऐप से वॉच के अंदर ही दे रखा है, तो इजी रहता है, बट अब मुझे तब फायर बोल्ट रिव्यू करा, उसे पहनना इस्तेमाल करा, तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई इसे पहनने में, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है उसके मुकाबले, वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है, उसके स्टेप भी अच्छी क्वालिटी के, तो ये मैं रियलमी से कहना चाहूँगा, सिर्फ अंदर की चीज़ को ही नहीं, थोड़ा बाहर की चीज़ से भी ध्यान दें। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ उसके कुछ और की फीचर्स की, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्टैंड अलोन GPS, ऐसा रियलमी कहता है स्टैंड अलोन, वैसे तो वही सेम GPS है जो इसके अंदर देखने को मिलता है, ग्लोनास वगैरह। और बाकी मैं बात करूँ एक्यूरेसी की, तो हो सकता है इसके मुकाबले थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेट हो, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी बात करूँ, अभी आपको मैं दिखाऊँगा अभी रियलमी लिंक ऐप पर, इसमें अगर मैं साइकिलिंग या वॉकिंग करके आता हूँ या रनिंग करके आता हूँ, इसका फिर मैं डेटा दे दूँ, तो आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे किसी का घर है और मैं उसके बराबर से गया हूँ, तो इतना एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करे पूरा घर ही काट देता है, मतलब मेरा रूट तो दिखाया गया नहीं, ऐसा लगेगा मैं घर के ऊपर से उड़ के आया हूँ, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत तो गूगल मैप्स में भी आता है, ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस कर देता है। और बात करूँ अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ या फिर वॉकिंग कर रहा हूँ आउटडोर में, क्योंकि इंडोर वाले में कोई GPS फंक्शन काम नहीं करता है, आउटडोर में फिर मैं घर आके देखूं तो कुछ अलग ही सिस्टम होता है, मतलब रूट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत जैसे मैंने आपको बताया घर काट देता है। और सेकेंडली अगर मैं वॉकिंग करते करते साइकिलिंग करते करते रुक जाऊं, तो कम से कम 20 सेकेंड लेता है ये मेरी स्पीड बताने में कि अब ज़ीरो हो चुकी है, वरना ये दिखाता रहता है जिस स्पीड में चल रहा था कि भैया आप अभी इसी स्पीड में चल रहे हो, तब क्यों रुक चुका हूँ कम्प्लीटली, ज़रा सा मूवमेंट नहीं है, तो ये इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। और कोई ऐसी जगह पे जैसे जैसे नेटवर्क कवरेज एरिया हो जाता है, मतलब नेटवर्क का कवरेज इशू हो जाता है, वैसे इतना कम तो नेटवर्क का होता नहीं है जितना इसमें होता है, अगर थोड़ा सा भी मैं किसी चीज़ के शेड में चला जा रहा हूँ तो इसके नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और घर आके देखा तो पता चला पूरा ही GPS सिग्नल लॉस्ट हो गया था,
तो पता ही नहीं चला कहाँ का टेल क्या है, पूरा रूट डिलीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ रियलमी वॉच 3 प्रो में कुछ अपग्रेडेशन दिया होगा रियलमी ने, और मैं इसका रिव्यू ज़रूर करूँगा। अभी तो पहला दिन था, अभी तो किसी के पास नहीं होगी वॉच एक्सेप्ट जो बड़े रिव्यूअर्स हैं, तो मैं आपको सोचा मैं आपको इसी के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगर आप स्किप नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ उसकी डिज़ाइनिंग की, तो सेम ऐसी होगी जैसे मैंने आपको बताया, और साइड में प्लास्टिक होने के ज़्यादा चांसेस है, मेटल नहीं देंगे वो, क्योंकि उधर उस साइड उन्होंने ब्लूटूथ कॉलिंग भी दी और एमोलेड भी दी है, तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी उन्हें। साथ ही स्टेप की बात किया है तो आपको एक यही कलर देखने को मिलेगा, ये कुछ सिल्वर कुछ नाम था इसका, आई डोंट नो, और एक ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा, बाद में एक दो कलर इंट्रोड्यूस अलग से कर सकते हैं वो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन की, तो सेम एज रियलमी वॉच 3 की तरह आपको देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया था। और एक चीज़ और जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ कि अगर रियलमी वॉच 3 प्रो में ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ साथ वो जो सॉन्ग वाला जो सब में होगा, उसमें आप कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जो उसमें होता है आप ब्लूटूथ कॉलिंग कनेक्ट कर लो फिर आप सॉन्ग प्ले करो अपने फ़ोन में, तो आपके वॉच एज अ ब्लूटूथ स्पीकर काम करती है, तो वहाँ का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो सारी वॉचेस में होता है जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक और मेन चीज़ जो मुझे लगता है रियलमी को देनी चाहिए, वो है कैलकुलेटर और साथ ही साथ एक रियलमी लिंक ऐप वॉच में, क्योंकि एज अ रियलमी का कस्टमर और जितना मैंने फीडबैक लिया, वैसे मैं ज़्यादा लोगों से फीडबैक नहीं ले पाता हूँ, और कम्युनिटी पे भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा कम रिस्पांस करते हो, जो बाकी कोई पोल वगैरह रखो उसमें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते हैं आप लोग, 15, 16, 18, 20 कभी कभार तो 50-60 भी हो जाते हैं 1 से 2 दिन में, बट स्टिल आपको थोड़ा कम्युनिटी पोस्ट पे भी ध्यान रखिए। और वही मैंने कन्फर्म भी करा है बहुत सारे लोगों से कि रियलमी लिंक ऐप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वॉच के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक रियलमी लिंक ऐप आपको देखने को मिलता है वॉच में, जिससे आप अपने रियलमी के सारे स्मार्ट डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हो, और ये पर्सनली मुझे चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर रियलमी लिंक नहीं दे पाता है इनकेस रियलमी, तो एक वॉइस असिस्टेंट जो और वॉचेस में देती है रियलमी नहीं मतलब और कंपनीज देती हैं जैसे फायरबोल्ट नॉइज़ वगैरह, तो एक रियलमी को भी वॉइस असिस्टेंट इसके अंदर देना चाहिए, और रियलमी इतनी बड़ी कंपनी है कुछ ना कुछ एलेक्सा टाइप देना चाहिए, ना कि नॉर्मल वॉइस असिस्टेंट, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रही, क्योंकि स्मार्ट वॉच के नाम पे आप बताओ फिटनेस वॉच मिल रही है आपको, आप कुछ सोच के देखना गहराई में, अच्छे से सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मार्ट वॉच के नाम पे आपको एक फिटनेस बैंड दी जा रही है। फिटनेस वॉच क्या है इसके अंदर, 120 स्पोर्ट मोड्स, एक GPS दे दिया है, जो ही GPS आपके वॉच में मैप नहीं दिखाता आप घर आके फ़ोन में देख सकते हो आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो, तो स्मार्ट वॉच किस काम की हो, तो स्मार्ट वॉच है तो कुछ ना स्मार्ट काम भी करना चाहिए, एक कैलकुलेटर एटलीस्ट ऐड कर देना चाहिए, गेम्स वगैरह मेरे ख्याल से अगर इतनी बड़ी कंपनी रियलमी ऐड कर देगी इसमें तो बहुत काफ़ी चीप हरकत हो जाएगी, इसमें गेम्स नहीं आने चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आए तो कोई ढंग का ही गेम आए, कोई बैटलशिप वगैरह नहीं आए, 2048 डाल दें वॉच में, या फिर कुछ सबवे सफ़र टाइप का डाल दें, और मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बाकी आप लोग अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए। और इसके अंदर एक रियलमी लिंक या इस वॉच असिस्टेंट देना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट वॉच है तब तक स्मार्ट काम नहीं करेगी, तब तक स्मार्ट वॉच नहीं बन सकती, सिर्फ इसके अंदर हार्ट रेट मॉनिटरिंग और SPO2 मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग और स्पोर्ट मोड देने से ये स्मार्ट वॉच नहीं बन सकती, इस बात पर आप लोग फोकस करना। और दोस्तों साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके अंदर हमें कैमरा कंट्रोल, म्यूज़िक कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और आपको यही सेम फीचर उसमें भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे शायद स्ट्रेच मॉनिटरिंग और हो सकती है रियलमी वॉच 3 प्रो में, बाकी मैं आपको उसकी बाइलिंग वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको प्रॉपर डिटेल अनबॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अभी तो ये छोटा सा रिव्यू था, इसके ज़रिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि रियलमी वॉच 3 और मतलब 3 प्रो कैसे होने वाली, मैं चाहता था आपको 3 या वंडर का इस्तेमाल करके बता सकता था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर GPS वगैरह सब है तो मुझे लगा आपको इसी का एग्जाम्पल देना चाहिए मुझे, तो आप मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी स्मार्ट वॉच पसंद है, और क्या आप मेरे इस पॉइंट से एग्री करते हो कि स्मार्ट वॉच के नाम पर खाली एक फिटनेस वॉच दे रहे हैं, जो ये चीज़ थोड़ी ठीक है, आपको इतने फीचर्स एक कंपनी दे रही है और उससे मतलब नहीं हो चाइनीज़ हो इंडियन हो अमेरिकन हो, लेकिन इसके अंदर अगर आप स्मार्ट वॉच दे रहे हो एक वॉइस असिस्टेंट या फिर रियलमी लिंक ऐप, जो आप रियलमी की वॉच दे रहे हो तो कम से कम अपना खुद का ऐप तो देना चाहिए, कुछ और ख्याल रखो ना रखो,
तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और बहुत सारे लोगों से मैं पूछा, उनके हिसाब से भी इसके अंदर इस टाइप की चीज़ें देनी चाहिए कंपनी को। तो इतना ही सब कुछ है इस वॉच के बारे में। और अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, वो आपको विद ब्लूटूथ कॉलिंग एंड GPS अगर आप यूज़ करते हो और उसको ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करते हो, तो जितना मुझे रियलमी का वॉच यूज़ करने का एक्सपीरियंस है, ये मेरी दूसरी वॉच है रियलमी की, तो आपको अराउंड 2 डेज का फुल डे मतलब पूरा 24 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वेरियस अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं इस्तेमाल करते हो, खाली GPS वगैरह इस्तेमाल करते हो, अराउंड 1 वीक। खाली ब्लूटूथ कॉलिंग इस्तेमाल करते हो तो भी 1 वीक। और अगर आप कुछ इस्तेमाल नहीं करते हो, नॉर्मल यूज़ करते हो एज अ फिटनेस वॉच, तो मेरे ख्याल से अराउंड 2 वीक आपको दे देना चाहिए अगर आप 1-2 घंटा स्पोर्ट मोड यूज़ करते हो। और आप सिर्फ नॉर्मल टाइम देखने के लिए यूज़ करते हो, हार्ट रेट वगैरह कभी आपने चेक कर ली, तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आराम से 20 दिन का बैकअप देगी ये कंपनी। क्लेम करती है 14 दिन, उस पर मत जाना है, 20 दिन का बैकअप देगी ही देगी। क्योंकि एक बार ऐसा होता है, इसे पावर सेविंग भी लगा दिया था मैंने, 1 महीने के लिए रख दिया था इसे, 1 महीने बाद देखा तो 100% ही थी, मतलब 100 नहीं थी, 98-99 थी, 1-2% गिरा था पावर सेविंग में, हार्ट रेट वगैरह सब बंद कर दी थी मैंने, लेकिन वॉच ऑन थी, स्विच ऑफ नहीं थी। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे, तो ऑप्टिमाइज्ड रहती है रियलमी की वॉच। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट में बताइए, चैनल पर नया आए सब्सक्राइब करके आइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। So I'm just